देखिए इधर तवज्जो जाइए, इधर तवज्जो हमारा हो जाइए, इधर तवज्जो जाइए। तो तस्वीर है कायनात का आकाश है अली, बहुत अच्छी है। तस्वीर है कायनात का आकाश है अली, दिल को जगा दे वो एहसास है अली। हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते, वेलकम बैक टू आवर चैनल इलाही रिएक्शन। आज हम लेकर आए अपने चैनल पे रिएक्शन, जिसमें हम रिएक्ट करने वाले हैं नारा लगा के देख तेरे पास है अली बाय सकलेन रिजवी सलामाहू। तो ये वीडियो का रिकमेंडेशन आया था हमारे कमेंट सेक्शन में, तो देखते हैं कि इस वीडियो के अंदर क्या होने वाला है। जो बैठे हैं स्टेज पे, तो वो मुझे मतलब ज्यादा एज के नहीं लग रहे हैं, बट चलो ठीक है, पहले वीडियो देखते हैं फिर इसके बारे में बात करेंगे। हाँ, थंबनेल में अगर देखा जाए तो बहुत छोटी सी उम्र के लग रहे हैं। मे बी हो सकता है कि ये कोई गीत हमें सुनाने वाले हैं या कोई नाद हो सकता है। तो पहले इस वीडियो को देखते हैं, फिर इस वीडियो के बारे में बात करेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, इस जश्न का आगाज भी नाते पाक से हुआ था और ये रसूलपुर है, इसलिए रसूल खुदा का जिक्र होना चाहिए। तो समाज फरमाइए, इसीलिए कि अली का जिक्र करे, जिक्र मुस्तफा न करे। चेहरा देखिए, अली का जिक्र करे, जिक्र मुस्तफा न करे, हमारे मुंह में हो ऐसी जुबान खुदा न करे। आमादा हो जाइए, क्या कॉन्फिडेंस है। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं जाना आपको दिलवा मिल गए। हैदरी अली का जिक्र करे, जिक्र मुस्तफा न करे, हमारे मुंह में हो ऐसी जुबान खुदा न करे। कि कुछ लोग रसूल खुदा को हम जैसा कहते हैं और भी बहुत कुछ कहते हैं। अब शेर देखिएगा कि बुलबुल को फूल, शमा को परवाना चाहिए। बुलबुल को फूल फरमाएगा कि बुलबुल को फूल, शमा को परवाना चाहिए, हमको रसूल पाक का दीवाना चाहिए। आमादा हो जाइए, आमादा हो जाइए। चाहिए हमको रसूल पाक का दीवाना चाहिए, और जिक्र नबी से रूह को गरमाना चाहिए। के बुलबुल को फूल, शमा को परवाना चाहिए, हमको रसूल पाक का दीवाना चाहिए, हमको रसूल पाक का दीवाना चाहिए। और जो भी करता है मेरे आका की बुराई, जो भी करता है मेरे आका की बुराई, उसको तो पैदा होते ही मर जाना था। देखिए इधर तवज्जो जाइए, इधर तवज्जो हमारा हो जाइए, इधर तवज्जो जाइए। तो तस्वीर है कायनात का आकाश है अली, बहुत अच्छी है। तस्वीर है कायनात का आकाश है अली, दिल को जगा दे वो एहसास है अली। तस्वीर है कायनात का आकाश है अली, दिल को जगा दे वो एहसास है अली। ए बंदे मोमिन, तेरा दिल क्यों उदास है? ए बंदे मोमिन, तेरा दिल क्यों उदास है? अरे नारा लगा के देख तेरे पास है अली। है कौन कौन और आली है कौन कौन, अंदर से निकल रहा हूँ। आला है कौन कौन और आली है कौन कौन, है दर के दर का देख सवाली है कौन कौन। आला है कौन कौन और आली है कौन कौन, है दर के दर का देख सवाली है कौन कौन। नारा लगा के देख तू है दर के नाम का, नारा लगा के देख तू है दर के नाम का, चेहरे बताएंगे कि हलाली है। कि अजीब कैफ है इश्क अली की मस्ती है, अजीब कैफ है इश्क अली की मस्ती है, मेरे जमीर की बस्ती इसी में बसती है। अजीब कैफ है, जाना पे कुर्बान, अजीब कैफ है इश्क अली की मस्ती है, मेरे जमीर की बस्ती इसी में बसती है, और ये मेरी जिद नहीं, हुक्म मुस्तफा है।
देखे चौथे हिस्से में खास तवज्जो, यहाँ से लेके आखिरी आदमी तक चौथे हिस्से में खास तवज्जो फरमाएगा। अजीब कैफ है पूरा मजमा, पैरों पे पैरों के तले खड़ों पे दाद देना चाहिए और पूरी मस्जिद में नारों की आवाज गूंजनी चाहिए। यहाँ से चौथे आसमान तक, चौथे आसमान से सातवें आसमान तक, पूरे पूरे जहान में नारों की आवाज गूंजना चाहिए। क्या अजीब कैफ है इस शेर पे, अजीब कैफ है इश्क अली की मस्ती है, मेरे जमीन की बस्ती इसी में बस्ती है, और ये मेरी जिद नहीं हुक्म मुस्तफा है, ये मेरी जिद नहीं हुक्म मुस्तफा है, अली नहीं तो इबादत भी बुत परस्ती है। क्या बात है यार, कितनी अच्छी वीडियो थी। मतलब सबसे बड़ी बात है कि लड़के के अंदर कितना जोश था, मतलब मुझे नहीं पता ये कौन है, तो मैं उनको ऐसे ले रही क्योंकि इतनी छोटी उम्र के अंदर जितने तरीके से और जिस हिसाब से जो फेशियल एक्सप्रेशंस, जहां गुस्सा दिखाना है वहां गुस्सा दिखाना है, जहां जैसे दिखाना है, लोगों के ऊपर प्रेशर डालना है, कैसे करना है, सब कुछ उन्होंने बहुत परफेक्शन से किया। बहुत अच्छी लगी मुझे ये वीडियो, मतलब जैसे जैसे उनकी स्टेज प्रेजेंस बहुत अच्छी है और लोगों को एंगेज करने का तरीका बहुत अच्छा लगा मुझे। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि क्या ये एक ही वीडियो है या इनकी और भी हैं, ऐसी और भी इनकी कुछ शेर व शायरी या फिर कुछ और है तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि मुझे तो इस वीडियो का नाम बताया था किसी ने तो मैंने ये वीडियो आज निकाल के देख ली है। तो पर बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी मस्त वीडियो थी। इतनी छोटी उम्र में इस कदर का जो टैलेंट खुदा ने इन्हें नवाजा है वो मैं कह सकती हूँ कि बहुत स्पेशल बच्चे हैं ये, खुदा के बाकी अल्लाह के बहुत खास हैं, क्योंकि इतनी छोटी उम्र में जहाँ हम अपनी बच्चों को अभी बोलना सिखाते हैं, उन्हें ढंग से जो है कि अपनी अपने धर्म के बारे में ही काफी ऐसी चीजें जो बच्चे ढंग से बोल भी नहीं पाते, उस उम्र में ये लोगों को सिखा रहे हैं। तो मतलब जब ये बोल रहे थे मैं इनके चेहरे का वो पूरा जो रूप था वो मैं देख सकती थी कि अल्लाह का कितना नूर है इनके चेहरे पर, क्योंकि फुल ऑफ कॉन्फिडेंस के साथ जो स्टेज इन्होंने अपनी प्रेजेंटेशन दी है वो बाकमाल की थी। मतलब बड़े से बड़े लोग भी जब माइक के सामने बोलते हैं तो वो कितनी बार जो है वो ब्रेक लेते हैं या वो कहीं ना कहीं अटक जाते हैं, लेकिन एक फ्लो के साथ और वो सेम कॉन्फिडेंस और लेवल, एनर्जी लेवल तो बहुत ही मस्त था इनका। और इन्होंने जिस तरीके से सारे अल्लाह के जो थे तारीफों के पुल बांधे वो वाकई इन्होंने महफिल सजा दी, और मुझे तो आज की वीडियो बहुत पसंद आई। तो ठीक है गाइस, इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, होप करते हैं आपको भी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी, और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।